धन्यवाद देने किसी भैरोड़ के गांव में नहीं आए कि भाई मुझे सांसद बनाया धन्यवाद, यहाँ तो नहीं आए। और सीधा मेरा मोटा मठ से चला जन्मदिन मनाबा केक काग लेके के और गुलदस्ता लाल गुलाब का इतना मेरे इतना बड़ा चौड़ा और लेके जा रहे उसको गुलदस्ता देर फोटो खिंचा रहे। और फिर जसवंत का लड़का लाडू राम पेज पे डाल रहा है जो फोटो अभी भी होगी या डिलीट कर दियो पता नहीं कि महाराज ने दिया महारानी को लाल गुलाब का दिया। अरे मैंने कहा मर मेरा धनी महारानी भी बना दी वाला। अरे महारानी तो तेरी रे बाद यार वो संत महात्मा से। अरे वो संत महात्मा से कहा महाराज याद तो लाडू राम है पर तू भी क्यों नाच गुनन दे बन रो है कि साथ में फोटो साधु संन्यासी भभूत दिया कर। माता जी बताओ भभूत देते हैं जो भी साधु होगा वो भभूत देता है। ले जा बेटा भभूत ले जा थोड़ा की भभूत दे तू पहलो ही महाराज लागो जो लाल गुलाब दे करके आ रहे और वो भी इतना बड़ा। आप कल्पना करना कि क्या फीलिंग रही होंगी। जवान आदमी समझ जाएंगे कि कोई अरबपति बाप का बिगड़ेल बेटा हो ना वो भी अपनी महबूबा ने इतना बड़ा गुलदस्ता कर देना जितना बालक ना आप ले चल। और फिर जसवंत कह रहा है मेरे से लाठी से लड़ लिया मेले। मैं बोले 10 बजे का टाइम रख और आज फिर कह रहा हूँ चल काल का रख ले 10 बजे ग्राउंड में आ जा 2 मिनट में तुझे बेहोश नहीं कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। तू लड़ ले तेरा लाडू राम ने लड़ा ले। और भाई अब बालकनाथ यूं कहा करे कि मैं योगी हूँ और योगी तो क्या ब्रह्मचारी होते ना ब्रह्मचारी और मेरे तो बेटा है आपका बीच में कह रहा हूँ इस ग्राउंड में दौड़ लगाएंगे इस ग्राउंड सुबह 3 उगने से स्टार्ट होंगे। अगर यह बालकनाथ ज्यादा दौड़ सकता है बलजीत यादव पता लग जाएगा कौन फर्जी होगी मेरे साथ। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं आपके बीच में वचन दे रहा हूं अगर यह सुबह से दिन छिपने तक दौड़े तो आपकी बात खराब नहीं होने दूंगा मैं दौड़ूंगा। या 2 दिन दौड़े तो 2 दिन दौड़ूंगा नहीं चक्कर खिलाकर पटेल दूंगा अपन या दौड़ेगा आधा घंटा नहीं या दौड़े आपको मिले तो उसको कहना तू ब्रह्मचारी बताता है योगी बताता है बलजीत यादव भैरोड़ का एमएलए तुझे चैलेंज देके कहता है कि भैरोड़ के ग्राउंड में सब जनता देखेगी डेढ़ पाठ करने वाला भी नौकर रख रखा है उसने पूजा भी नहीं करे। अरे खा खा के उनका काल पाठ मानो है रहा। खा खा राशन खाया जाओ कदे लाड्डू खाओ शेर कदे पेड़ा खाओ है मेरा मटो खा खा के और नाच इतना छिपा जाओ। मैंने कहा महाराज जी सन्यासी वो बनता है जिसका जीवन जनता के लिए होता है। तू तो भगवा वस्त्र में फर्जी साधु है और हम जीन शर्ट पहन के भी चरित्र से साधु हैं सन्यासी हैं। हम स्वार्थ में नहीं जीते हम परमार्थ के लिए जीते हैं। अब आकर के बेचारा ऐसा चुप ईमानदारी से अपना काम कर रहा आकर के कह रहे ऐसा चुप के गले पड़ रहे मेरे अखबार में खबर छप जाए ऐसा चुप जबरदस्ती गले पड़ रहा है। 5 बजे प्रचार बंद हो जाता है जब जान 5 बजे बाद सभा करने आए क्यों भाई आज ही तो क्यों के तेरा कर देगा क्या इतना दिन में नहीं जो आज ही कर देगा। अगर कोई रोके तो जबरदस्ती माथापोड़ी कर रहा है। इसलिए मेरे से पूछा मुख्यमंत्री जी ने कि बालकनाथ का इतना बावर हो वो। मैं बोले जी इसने क्या है कि ये तरबूज खाया करता था हनुमानगंज में अपने वाले पोता ना क्या करते और खतम चांदना जी मरा रहे मिल गई गद्दी क्योंकि बालक ही है दिमाग से नाम का बालक नहीं है दिमाग का बालक है। तो बालक की तरह पिछ को चेयरमैन वालों खिलौने चाहिए तो जनता देगी चेयरमैन थानेदार दे सकते भाई एस एच ओ कहां से ला के दे उसको चेयरमैन के बोले एस एच ओ से क्या लड़ाई में लड़ाई इसमें कैसे एस एच ओ चेयरमैन ला के दे अब वो कहां से ला के दे भाई बेचारा वो तो जनता देगी। इसलिए फिर आ गया रात को 11 बजे तक चेयरमैन का वो भरवाऊंगा फोरम चुनाव लड़ाऊंगा तो बच्चे की तरह ब्रिज का प्रस्तावक नहीं अगले के पास बिल्कुल से बनाऊंगा फिर वाइस चेयरमैन ब्रिज का कैसे मैं वाइस चेयरमैन बनाऊंगा। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से बालक भी है लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा उसके अकि ये जनता जनार्दन है ये मालिक है आपको बनाया था बहुत अपेक्षाओं से आप साधु संतो आप काम करोगे जनता के लिए आप जनता के ऊपर न्योछावर करोगे लेकिन न्योछावर लॉकडाउन हो गया एक पूरी नहीं खिलाई एक पूरी लोग मैं मटका मठाती सुन अरे ऐसा तो भिखारी का काम लड़ाने का काम हो रहा है
ये ऐसा वातावरण चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी भी इस प्रकार से लड़े, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता हो, वो हमारा एक विकास का संकल्प है। और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन मैं उसी व्यक्ति को व्यक्ति मानता हूं जो केवल और केवल विकास की बात करता है। विकास की प्रतिस्पर्धा में वो कार्यकर्ता कहता है कि मैं विकास के लिए काम करता हूं। अगर वो किसी को एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करता है तो मैं मानता हूं समाज में उस व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का स्थान हमारे बीच में नहीं होना चाहिए जो हमारे समाज को तोड़ने की बात करे, जो हमारे को आपस में लड़ाने की बात करे, किसी को बंद करवाने की बात करे, किसी को छुड़वाने की बात करे, किसी के प्लॉटों पे कब्जा करवाने की बात करे तो किसी के प्लॉटों को बनवाने का काम करे। ऐसी व्यवस्था को हमें स्थापित नहीं होने देना है। आप बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब कहते हैं घर के अंदर एक बात का चलन बहुत रहता है माननीय मंत्री जी कि आज समाज बिगड़ गया है, आज समाज में कोई विश्वास के लायक नहीं, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये सारा बीज बोया किसने? हमने बोया है। हम ऐसे बीज ना बोए और एक स्वच्छ राजनीतिक भाव से जहां महान सिद्धों ने तपस्या की है, बाबा केदारनाथ जी की कर्म तपोभूमि ये रही है, पूज्य गुरु महाराज जी की राजनीतिक जीवन की यहाँ से शुरुआत हुई, उन्होंने इस इलाके को एक अपनी मातृभूमि के समान माना है और इस इलाके को विशेष रूप से आशीर्वाद भी उन्होंने दिया है, तो हमारा धर्म बनता है कि ऐसे महान ऋषियों की इस भूमि को हम स्वच्छ बनाने का काम करें और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना बंद करें जो लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर भय का वातावरण फैलाने की बात करते हैं। एक अच्छी राजनीति के साथ में इस आने वाले जीवन में शुरुआत करें। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इस भाव के साथ में आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले 11 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल प्रत्येक वार्ड में खिलाने का काम करें, जिसके माध्यम से हमारे देश के विकास को सुनिश्चित करने का हम सब काम करेंगे। अपने भैरोड में विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो बैरोड की समस्याएं हैं, जो हमारे पूर्व में समस्याएं आज वर्तमान में जो हमको देखने को मिल रही है, मैं आपसे वादा करता हूं उन समस्याओं को, क्योंकि सरकार है कांग्रेस की, ये नहीं चाहेगी यहां कोई काम हो, चाहे आप यहां पर इसको वोट देंगे तो भी काम नहीं होगी, क्योंकि 2 साल से कोई हुआ तो बताइए, तो भी काम नहीं करेगी ये। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को जिताते हैं तो वो आपके हक का विकास यहाँ पर करके दिखाएगा और हम उसको करके दिखाएंगे। इस वादे के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और संध्या का समय है, एक संत होने के नाते आप सबको आशीर्वाद भी देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यतु भागवे। आप सब सुखी हो, निरोगी हो और हम सब मिलकर अपने इस भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.